पे पुकाराई आजा 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 मेरी रानी। रुतबे पराराई डोली में सवार आई आजा 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 मेरे राजा। बागों में बहार आई होंठों पे पुकाराई आजा मेरी रानी। फूलों की गली में आई भंवरों की पतंगा खेले आंख मिचोलियां। बोले ऐसी बोलियां के प्यार जागा जग सो गया। रुतबे परार आई डोली में सवार आई आजा 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 मेरे राजा। बाहों में बहार आई पुकाराई आजा 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 मेरी रानी। सभी दोस्तों को हमारा प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हम सफर अंजुम निसार। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें द इम्पीरियर, जी हाँ, इस नाम के एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इन्होंने लिखा है, इन्होंने हमें सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं कि आप बानियारी शर्की बांडीपोरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। उसके बाद फिरासत हुसैन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। यूपी गंज दोंडवारी से हमारे साथ आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे मुस्तकिल सामिया हरबन सिंह चबड़ा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। लिखते हैं, अंजुम निसार जी व मेरे कश्मीर कन्वीनर सुनने वाले सभी दोस्तों को डोंगरगढ़ से सलाम व दिल से उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखते हैं, आज आपकी मीठी आवाज़ में शेर व दोस्तों के मनपसंद के नगमे सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और शेर भी हम ज़रूर आपको सुनवाएंगे, बने रहें प्रोग्राम में। कौर हरमीत साहिबा हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई मुश्ताक हाजी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आशिक हुसैन कौल साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मेहताब जाहिद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। रज़िया हसन साहिबा हमारी मुस्तकिल सामिया हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी हमें सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। अहमद रफ़ीक़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। बट सिबगतुल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और तजम्मुल अमदानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखे है, वालेकुम सलाम। आप लिखते हैं, अंजुम साहब हाज़री कबूल करें, फ्राम गुलशन इकबाल कराची। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। सांसों का टूट जाना तो आम सी बात है, सांसों का टूट जाना तो आम सी बात है, जहां यार तनहा छोड़ जाए मौत उसको कहते हैं। दोस्तों, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में आरजू फिल्म से बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मीर टेंट हाउस डूरू, इस नाम के एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में, और आपके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि आप किस बिज़नेस से वाबस्ता हैं। अल्लाह करे आपका जो ये बिज़नेस है ये
बढ़े और आपको इसमें बहुत सारा नफ़ा, और आप हमेशा कामयाब रहें इस बिज़नेस में। हम आपका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। मेहताब जहाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुस्तकिल सामिया हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होने वाले जोगिंदर सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, प्यार भरी सलाम व आदाब अंजुम निसार साहब, आपको और कश्मीर कन्वीनर के सभी सम्मानित दोस्तों को आदाब और नमस्कार। आज भी हम अपने दोस्तों की खूबसूरत पसंद को सुन रहे हैं। नए सामीन का दिल से खैर मकदम करते हैं, वेलकम। विकास पुरी नई दिल्ली से जोगिंदर सिंह बत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और अहमद रफ़ीक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, इफ़ माई सॉन्ग नॉट प्लेज दिस माइट माई लॉस्ट पार्टिसिपेशन इन योर प्रोग्राम एज मोस्ट ऑफ टाइम्स माई रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिनाइड, होप फॉर योर गुडनेस, ब्लेस योर टीम। तो अहमद रफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजवल, हम आपकी पसंद को आज ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे, वरना आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपकी पसंद का नगमा ज़रूर आपके लिए पेश किया जाएगा, बट आपने अभी तक मेरे ख्याल में आपकी पसंद का नगमा यहाँ पर टाइप नहीं किया है। गुजारिश है आपसे कि आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पर टाइप करें। एक शेर मुझे याद आ रहा है आपकी इस नाराज़गी पर, ये मोहब्बत भरी जो नाराज़गी है आपकी, कि रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, क्या खबर थी वो इस कदर खफा हो जाएगा। तजमुल अमदानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, और आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। हमारी बहन पपिंद्र राजपूत साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आप डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होती हैं। लिखते हैं, भाईजान सलाम, कश्मीर कन्वीनर के सभी दोस्तों को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। पीरजादा एजाज साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक अहमद कल्लू साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है और एक नगमे की फरमाइश भी आपने की है, बने रहें प्रोग्राम में। और मलिक उमर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं खान मुदसिर साहब, आपने हेलो लिखा है। और रईस अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप रेशी नगर शुपियाँ से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। शुएब, जी हाँ, इस नाम से एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, यस्टरडे आई टोल्ड यू टू प्ले जाना गाना माना, हेयर इज़ द फुल डिटेल, सॉन्ग नेम वो आपने लिखे हैं। और तुलसी कुमार आपने लिखा है कि इनकी आवाज़ में है। तो जहाँ तक मेरे जो यहाँ पे साथी हैं, उन्होंने इस आपके नगमे को सर्च किया हुआ है, तो अगर ये है तो ये रही आपकी पसंद। She is one of India's most prominent singing sensations, churning out chartbusters for over a decade with her powerful melodies. She is one of India's most talented and versatile artists. Tulsi Kumar will now recite the national anthem. For all those who are able, please rise. तो शुएब साहब, मुझे लगता है कि आपने इसी नगमे की फरमाइश की थी, हमारा ये कोमी तराना था। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बशीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अथर जान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम।
शेख शौकत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं भाई अंजुम निसार और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आप लखीमपुर यूपी से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शब्बीर मीर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं, आप ऋषिनगर शुपियाँ से प्रोग्राम में जुड़ते हैं। हमारे दोस्त हमारे भाई प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, समाज को बदल डालो। जी हाँ, इस फिल्म से आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और ये मूवी जो है, ये जब रिलीज़ हुई थी तब काफ़ी ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ एक हिसाब से यूँ कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट भी हुआ था, क्योंकि इसमें समाज की असल जो तस्वीर थी वो दिखाई गई थी। खैर, आपने इस नगमे की फरमाइश की है, इस फिल्म से एक नगमा आपने सुनवाने के लिए, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। नीलम जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं और शाह मोइन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं हमारे भट्ट सिबगुप्तला साहब, और हमारी बहन शाजिया खान साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और प्रदीप वधा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, ये मेरी ज़ात की सबसे बड़ी तमन्ना थी, ये मेरी ज़ात की सबसे बड़ी तमन्ना थी, काश कि वो मेरा होता मेरे नाम की तरह। काली रैन से आगे जो देश है सुहाना है, तारों की छाँव में सपनों के गांव में परियों के संग तुम्हें जाना है। गगन तले पवन चले ठंडी सुहा निंदिया की रानी, सो जाओ सो जाओ, तारों की छाँव में सपनों के गांव में परियों के संग तुम्हें जाना है। आई रे आई रे, आई है लेने तुम्हें फूलों की सखियां, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तारों की छाँव में सपनों के गांव में परियों के संग तुम्हें जाना है। सजी रहे तुम ही ये प्यारी, हंसी खुशी जियो सभी माँ तुम पे वारी। आई रे चंदा
की सवारी। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में भी कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाकी दोस्त भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमारी बहन ताहिरा जान साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है सभी दोस्तों को, वालेकुम अस्सलाम। सुनीत कुमार राज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, शब्बीर मीर साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और एक और हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं अशरफ परी साहब। मेरे ख्याल में आज आप भी पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आप वंगीपोरा सुंबल से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। रईस अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख कि क्या चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये खागरपुर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कमल शर्मा साहब। आप लिखते हैं, अंजुम भाई जी नमस्कार, कमल शर्मा खागरपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे दोस्त। और ताहिरा जान साहब लिखती हैं, सर प्लीज़ आप जिन जिन लिसनर्स को ब्लॉक किया है उनको अनब्लॉक करो प्लीज़। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैंने कई सारे दोस्तों को यहाँ पर ब्लॉक ज़रूर किया हुआ है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का माहौल किसी हद तक ख़राब कर रहे थे। तो मैं आप लोगों की वजह से, बल्कि यहाँ पे बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे सामीन हैं, उनकी जो यहाँ पे एक हिसाब से प्राइवेसी कह सकते हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैंने ऐसे दोस्तों को ब्लॉक किया हुआ है। तो अभी बाकी दोस्त भी अगर ऐसा चाहें तो उनको ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो आइंदा इस तरह की यहाँ पे गुस्ताखी ना करें। प्रेमवर अधिकारी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, नेपाल से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आप लिखते हैं, गुड इवनिंग अंजुम निसार सर, आई एम लिसनिंग फ्रॉम नेपाल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और मोहम्मद राही साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मीर बिलाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। तारतपोरा रमहाल से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह मोइन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे एक और दोस्त हमारे मुस्तकिल सामिया नानक सिंह नलवा साहब, ये लिखते हैं, मुबारक अंजुम सर फॉर लिसनर्स अवार्ड, इट्स प्राउड ऑफ ऑल लिसनर्स, माय स्पेशल मुबारक, इट्स नानक सिंह नलवा फ्राम शिकारगा त्राल प्रेजेंटली एट तुलसीबाग श्रीनगर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और यकीनन आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से ही ये जो अवार्ड है ये आप लोगों के लिए है, और मेरा नाम ज़रूर इसमें है लेकिन ये असल में आप लोगों के लिए अवार्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, लव स्टोरी फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। मुदस्सिर टी, जी हाँ, इस नाम के एक दोस्त त्राल से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोस्तों के लिए ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नष्ट हो, इसके लिए मुझे, जी हाँ, आपकी राय की ज़रूरत होती है, आपकी आरा की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता, हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता, कुछ लोग ये काम लहजों से भी कर लेते हैं। Thank you.
बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत गाना सुना। अपनी पसंद की फिल्मी नगमियाँ हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। शब्बीर मीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने मेहदी हसन की आवाज़ में एक गज़ल सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें प्रोग्राम में। हमारे दोस्त, हमारे मुस्तकिल सामिया इंतज़ार अंजुम साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आपने हमें सलाम लिखे, वालेकुम अस्सलाम। निखिल कुमार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं नमस्ते अंजुम सर जी। और हमारी बहन अमीरा जान साहब अभी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने दोस्ती फिल्म से एक नगमे की फरमाइश की है। बने रहें प्रोग्राम में। बांका ज़िला से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं परमवीर रावत साहब। आपने लिखा है, अंजुम निसार साहब, मैं बिहार के बांका ज़िला से जुड़ता हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त, हम आपका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आपने एक नगमे की भी फरमाइश की है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। डार आरिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ प्ले वन गज़ल आप जगजीत सिंह, वो कागज़ की कश्ती। और आप लिखते हैं कि आप कतर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप इतनी दूर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत होंगे। और आपने जो गज़ल सुनवाने के लिए लिखा है, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद की ये गज़ल सुनवाएं। और जावेद डार साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं, मी एंड माय लविंग डॉटर आयशा फ्रॉम नौपोरा कलान लिस्टिंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और सुनीत कुमार राय साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने मुकेश की आवाज़ में एक नगमे की फरमाइश की है। आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। मरगूब अयूब साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। इस्लामी दुनिया इस्लामी, इस नाम के एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें लिखा है कि नंबर सेंड करें, तो आपके लिए मैंने अपना नंबर भेज दिया है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं। मेहताब जहाद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं फेरोज़ साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत ऐब सही मुझ में, मगर एक खूबी भी है। बहुत ऐब सही मुझ में, मगर एक खूबी भी है। हम दिल से जिसे चाहें उसे धोखा नहीं देते। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात।
तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गए नैना से नैना ओ क्या बात हो गई, मिल गए नैना से नैना ओ क्या बात हो गई, मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना, तेरे होंठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था, चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, ओ तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, नेक मोहम्मद कक्कर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप ससा मुसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। वानी हसन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और तजम्मुल अमनानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आदि शहजाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है कि आप लैला मजनू से एक नगमा सुनना चाहते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। और नेक मोहम्मद कक्कर साहब जो हैं ये लिखते हैं,
अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सेलेंट प्रोग्राम सर जी. प्लीज़ डेडिकेट माई सलाम टू ऑल लवर्स ऑफ रेडियो फ्राम यादगार चौक लोरालाई पाकिस्तान से नेक मोहम्मद कक्कर, रोजीना कक्कर और आयशा कक्कर. आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए. आपका हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आपने हमारे सभी सुनने वालों को, ख़ास तौर से जो रेडियो के लवर हैं, उन्हें सलाम लिखी है. वालेकुम अस्सलाम. और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपने राय का इज़हार हमारे प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, ये आप जो हमारे सुनने वाले हैं, आपके मन के मुताबिक यहाँ से नशर हो. मुनीर बटसा प्रोग्राम में शामिल हैं. सलाम आपने लिखी है. वालेकुम अस्सलाम. आपने खूबसूरत से नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं. अमीरा जान साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं. तायरा जान साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं. हीरा लाल रॉय साहब भी हैं और शाजिया खान साहबा हमारी जो हमारी इस प्रोग्राम की पहली लिस्टनर हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं. तो आप लिखती हैं, अंजुम सर आप सबको अनब्लॉक करो. इस दुनिया में कुछ नहीं लेना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए. ये साल जाने वाला है, इसलिए सबको अनब्लॉक करो. तो मेरी बहन, आप भी जानती हैं कि हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं, या ऐसा बिल्कुल हमारा इरादा भी नहीं होता है, बल्कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप सारी जो बहनें हैं, आपका भी हम ध्यान रखें कि कोई इस तरह की बात यहाँ पे कोई ऐसा ना करे जिससे आप लोगों का या जो हमारे बाकी यहाँ पे लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, उनका दिल दुखे या उनकी इज्जत पर कोई आँच आए. ऐसा हम बिल्कुल हरगिज़ नहीं चाहेंगे. मैंने बार बार इनसे कहा है, बल्कि आप सब लोगों से भी मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने किसी से बात करनी है यहाँ पे, चाहे आप उसे जानते हों या नहीं जानते हों, फिर भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप उनके प्राइवेट में जो इनबॉक्स होता है वहाँ पे बात करें. यहाँ पे अगर आप एक दूसरे से मुखातिब होकर बातें करेंगे, एक तो हमारे प्रोग्राम का माहौल ख़राब होता है, दूसरा हम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं इस वजह से, क्योंकि फिर प्रोग्राम का जो माहौल है वो एकदम से बिल्कुल बदल जाएगा. तो इंशाल्लाह हम उनको अब मेरे ख्याल में अनब्लॉक करेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि वो आइंदा इस तरह की बात नहीं करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन. और मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं. आपका भी हम खैर मकदम करते हैं. तजम्मुल अहमदानी साहब लिखते हैं, अंजुम साहब आपकी मोहब्बत है, मुझे अपने प्रोग्राम जगह देते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दरअसल आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार है कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम की शोभा और इज्जत बढ़ाते हैं. नसीब अच्छे न हों तो खूबसूरती का क्या फ़ायदा, नसीब अच्छे न हों तो खूबसूरती का क्या फ़ायदा, दिलों के शहंशाह अक्सर फ़कीर हुआ करते हैं. कितने दिन बाद मिले क्यों
नहीं 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 हेरा फेरी मेरे साथ की नो नेवर फिर आने बना क्या किया तेरा नाम लिया दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, मोहम्मद अमीन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, अंजुम सर आपके गोल्डन बर्ड्स की वजह से हम आपसे काफ़ी मुतासिर हुए हैं, अगर आप कभी मिलने का मौका दें तो काफ़ी खुशी होगी, प्लीज़ सर। ज़रूर मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, हम भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप हुक्म कीजिए, मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊंगा। और हीरालाल रॉय साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं,
आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। अपने इस प्रोग्राम में आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। आज के प्रोग्राम में भी कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब लिखते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स आई हैव एवर वॉच इट ऑन फेसबुक। आर जी सर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यूर मैजिकल वॉइस एंड यूर यूनिक प्रेजेंटेशन। अबो ऑल द पोइट्री पोर्शन इज फंटास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। यकीन मानिए, ये दरअसल आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। वो कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी छोटी छोटी बात भी आपको बहुत बड़ी लगती है और उससे आप मोहब्बत भी करने लगते हैं। और यही वजह है कि आप लोगों को मेरी जो ये छोटी छोटी बातें हैं ये अच्छी लगती हैं। दरअसल बात यह है कि आप लोगों को हमसे मोहब्बत है और हमें भी आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत की वजह से हम हर रोज़ रात के 9:30 बजे आपको डिस्टर्ब करने चले आते हैं। अंजल जोया साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। हमारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोई सॉन्ग प्ले करो। ज़रूर प्ले करते हैं, आप बनी रहें प्रोग्राम में बहन। हम आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोई ना कोई नगमा ज़रूर प्ले करेंगे। तो अभी हम एक नगमा सुनाते हैं आपको, मुकेश की आवाज़ में ये नगमा है। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, उन्होंने इसकी फरमाइश की है, तो हम आपके लिए दोस्त करते हैं पेश आपके लिए आपकी पसंद का ये नगमा। बहुत खूबसूरत नगमा है, ये सुनवाते हैं आपको। तुझसे मिलने न थे तो तेरी आरजू न थी, तुझसे मिले न थे तो तेरी आरजू न थी, मिले जो तुझसे तो तेरे तलबकार हो गए। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। सीखी है तुमसे भूलने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशे कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संवलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाँव गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान।
शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। दोस्तों, आपने मुकेश की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10:23 मिनट और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त जो वो इख्तिताम को पहुँचता है। प्रोग्राम के आखिर में हम आप सभी दोस्तों के लिए अपनी तरफ से एक नगमा आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ख़ास तौर से उन दोस्तों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिनकी पसंद का नगमा आज वक्त की कमी के सबब हम उन्हें नहीं सुनवा पाए। तो आप सभी दोस्तों का ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ बने रहते हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस हद तक झेलते हैं कि वो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ प्रोग्राम में रहते हैं। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, या यूँ कह सकते हैं कि लोगों की कदर करनी है जो आपके अगल बगल में, आपके बिल्कुल आसपास रहते हैं, तो अगर आपने उनकी कदर करनी है तो उनकी ज़िंदगी में कदर करो। क्योंकि चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपने दोस्त अंजुम निसार को कल रात के ठीक 9:30 बजे तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।